Hello friends, today we talking about BSc third year zoology syllabus. Zoology के syllabus में आपके तीन paper होते हैं. आपके पहले paper का नाम है Applied and Economic Zoology. सेकेंड पेपर है आपका बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक एंड बायोस्टैटिक्स. और थर्ड पेपर है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी. फर्स्ट पेपर से हम स्टार्टिंग करते हैं और धीरे धीरे सब समझते हुए चले जाते हैं. फर्स्ट पेपर है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी. इसमें जो जूलॉजी है मतलब अप्लाइड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक से क्या अर्थ है, आर्थिक रूप से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो वो जूलॉजी इसमें पढ़ना है. तो आपका फर्स्ट यूनिट है पैरासिटोलॉजी, मतलब जो परजीवी विज्ञान होते हैं, मतलब परजीवियों के बारे में जो विज्ञान है वही होता है पैरासिटोलॉजी. इसमें पैरासिटोलॉजी में क्या पढ़ना है, आपको तीन दिया हुआ है. जैसे आप स्टार्टिंग से देखिए, दिखा है स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिटी इंक्लूडिंग डिजीजेस, काजेस, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस. मतलब कि स्ट्रक्चर पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है, पैथोजेनेसिटी पढ़नी है, रोगजनकता जिसे कहते हैं, और इंक्लूडिंग डिजीजेज मतलब उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं, काजेज उस बीमारी का कारण क्या होता है, सिम्टम्स उस बीमारी की पहचान क्या होती है, और उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो जो भी बीमारियां होती हैं उनसे उनसे नियंत्रण कैसे किया जाए, ये सभी. और किसके बारे में, तीन पैरासाइट्स दिया हुआ है और वो उसे मतलब किससे कंट्रोल करना है. जैसे एनिमल्स को भी हो सकता है, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनको भी हो सकती है बीमारियाँ, या ह्यूमंस को भी हो सकती है. और वो तीन जो आपका दे रखा है वो है ट्रिपोनोसोमा, जियार्डिया एंड वुक्रेरिया बैनक्रॉफ्टी. इसका पूरा नाम होता है वुक्रेरिया लिखा हुआ है. तो जैसे देखिए ट्रिपोनोसोमा, ट्रिपनोसोमा क्या होता है, हम चैप्टर वाइज जब पढ़ाएंगे तो आपका फर्स्ट इसी के बारे में पढ़ना होगा, इसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ये सब पढ़ना होगा. तो जैसे एक छोटा सा जो ट्रिपनोसोमा होता है उससे कौन सी डिजीज होती है आप लोग जानते होंगे, स्लीपिंग सिकनेस. जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है वो ट्रिपनोसोमा पैरासाइट की वजह से होती है. वैसे ही जियार्डिया है, जियार्डिया की वजह से जियार्डियासिस होता है. एंड ये जो वुक्रेरिया है इसकी वजह से क्या होता है, वो क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस जो डिजीज होती है, हाथी पाँव जो फाइलेरियासिस डिजीज होती है वो वुक्रेरिया की वजह से होती है. ठीक है, तो यूनिट टू आप देखिए, यूनिट टू आपका है वेक्टर्स एंड पेस्ट. तो वेक्टर्स एंड पेस्ट क्या होते हैं, वेक्टर्स ऐसे छोटे मोटे जीव होते हैं जो इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं ह्यूमंस को. जैसे लाइफ साइकिल उनके वेक्टर्स एंड पेस्ट के क्या पढ़ने, लाइफ साइकिल एंड देयर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट, मतलब जो नीचे दे रखे हैं उनकी लाइफ साइकिल और उनसे कंट्रोल कैसे किया जाए. जैसे गंधी बग हो गया, सुगर कैन लीफ ओवर हो गया, गंधी बग आपके जो धान होते हैं ना उसमें भी लगता है गंधी बग, और जो सुगर कैन लीफ ओवर है ये सुगर कैन में लगता है. रोडेंट्स जैसे चूहे हो गए, टर्माइट्स, दीमक, मॉस्किटोज, मच्छर, तो इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं थोड़ा घरेलू तरीके से, बट यहाँ आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा कि उनसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा और उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है. एक्चुअली यूनिट थ्री में आपको दिया है एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर. एनिमल ब्रीडिंग जंतुओं का पोषण एंड कल्चर, इसमें आपका एक्वा कल्चर है यानी कि जलीय जंतुओं को कैसे पालन पोषण किया जाए, पीसी कल्चर है मछलियों का पालन पोषण, पोल्ट्री है, पोल्ट्री में क्या करते हैं, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन. ठीक है, तो मुर्गी पालन यहाँ यूपी में बहुत प्रसिद्ध है, पोल्ट्री सब खोल के रखे हैं, पोल्ट्री करते हैं. तो यही आप इन सभी के बारे में पढ़ोगे, एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर, पोल्ट्री, सेरी कल्चर, एपी कल्चर, लैग कल्चर, इन सभी के बारे में आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि इनका जीवन ये कैसे मतलब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे वातावरण में ये सर्वाइव करते हैं. जब आप अच्छी तरह से जान जाओगे तभी तो आप इनका पालन अच्छे से करोगे, इनका उत्पाद बढ़ेगा और इस तरह से आप एक छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो. तो यहाँ पे दिया हुआ है सेरीकल्चर. सेरीकल्चर क्या होता है, जो रेशम के कीड़े
रेशम के कीड़े होते हैं, उनका पालन जैसे कैसे किया जाए, रेशम के धागे उससे बना सकते हैं, आपको भी आर्थिक रूप से हमारे लिए ये सारे उपयोगी होते हैं, ठीक ना, तो इसीलिए इनका पालन पढ़ा जाता है। तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों के बारे में, एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है तो मधुमक्खी का पालन। फिर ये लैक कल्चर, लैक नाम से लाख जो होता है, जिससे वो गम जिसका यूज़ किया जाता है, तो वही लैक कल्चर है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जंगली जीवन या वाइल्ड लाइफ। तो इसमें इनडेंजर्ड स्पीसीज पढ़नी है, मतलब ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है, तो जो जिनका जो अस्तित्व है वो कम हो रहा है, जो अब अस्तित्व में नहीं है, तो उनके बारे में पढ़ना है। इम्पोर्टेंट सेंचुरीज पढ़नी है, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पढ़ना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनिमल्स मतलब प्रिजर्वेशन के लिए लॉन्च किए गए हैं, जैसे बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट टाइगर, वैसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन आरक्षण होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, इन सीटू और एक्स सीटू नाम दिया गया है, इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में। वैसे आप लोग ये सब पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत। आगे आपका है पेपर 2nd, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टेटिक्स। तो नाम देखकर घबराए नहीं, बहुत ही इजी है ये भी, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, आपने क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डीपली उसके बारे में पढ़ना है। फिर इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी जो आपका इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टेटिक्स। बायोस्टेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, जैव सांख्यिकी, ठीक ना। तो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड मेडिकल, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन यूज़ क्या होता है इसमें, एग्रीकल्चर में, खेती में, मेडिकल एरियाज में, या एनर्जी प्रोडक्शन में, ऊर्जा उत्पादन में। फिर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड मतलब भोजन के प्रोसेस में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, फार्मेक्यूटिकल्स में भी किया जाता है, जैसे जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं उनका बायोटेक्नोलॉजी के ही द्वारा इंसुलिन प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो आपको एक इंसुलिन प्रोडक्शन का प्रोसेस भी पूछता है, ये सब आप डीपली पढ़ेंगे। एंड फर्मेंटेशन। फिर यूनिट 2 आपका दिया इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा का कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, वैक्सीन्स ऑफ डिफरेंट डिजीज एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, 3rd यूनिट है आपका बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। इसमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल एंड यूजर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें टूल्स के मतलब जो भी टेक्निक्स या जो टूल्स यानी कि जो प्रौद्योगिकी के लिए जो औजार एक तरह से कहा जाए जिसका यूज़ करते हैं, जो औजार नहीं होता है ये टूल्स होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे प्रिंसिपल एंड यूजर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में पीएच मीटर भी एक तो टूल है, जैसे पीएच पैमाना कहा जाता है, वो मापा जाता है, वैसे कैलोरी मीटर, माइक्रोटोम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड सेंट्रीफ्यूग, माइक्रोस्कोपी जिसमें लाइट ट्रांसमिशन, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी सीखा जाएगा। फिर क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। यूनिट फोर आपका है बायोस्टैटिक्स, जिसमें सैम्पलिंग की जाती है, सेंट्रल टेंडेंसी की जाती है, मीड मेडियन मोड एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन, सब टॉपिक जब आप लोग पढ़ोगे ना एकदम अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अभी आप बस इतना जान जाइए कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस एक्चुअली में है क्या, आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो पेपर 3rd आपका है इकोलॉजी, पारितंत्र, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये सबसे ईजी पेपर है। इकोलॉजी में क्या है, इको सिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसके कंपोनेंट्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एनर्जी फ्लो, कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है उसमें, वो 10% एनर्जी ला ETC, मतलब इजी है सब पढ़ना है। फूड चैन, फूड वेब्स मतलब खाद्य जाल, ट्रॉफिक लेवल्स, इकोलॉजिकल नीके, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेगुलेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एडेप्टेशन, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल एरियल एंड एरोबोरियल। यूनिट 2 आपका है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी पढ़नी है माइक्रोब्स की, फिजियोलॉजी पढ़नी है एंड इन्फेक्शन पढ़ना है जो कि किससे होता है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। फिर बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज पढ़ने हैं।
यूनिट 3 में आपको एनिमल बिहेवियर, एनिमल का बिहेवियर कैसा होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, इथोलॉजी मीन्स क्या होता है, एनिमल के बिहेवियर का साइंस होता है, मतलब साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर, तो वो कहलाता है इथोलॉजी। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, कैसे उनके पैटर्न्स हैं, जैसे टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट्स एंड मोटिवेशंस, ये सभी पढ़ने हैं, वो कैसे सजग होते हैं, ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बायोरिथम्स, लर्निंग एंड मेमोरी, माइग्रेशन ऑफ फिशेस एंड बर्ड, माइग्रेशन से आप लोग जानते हैं, माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो फिशेस का कई टाइप्स का अलग माइग्रेशन होता है, बर्ड्स का अलग होता है, तो कभी एग्जाम में फिशेस का कभी बर्ड्स का माइग्रेशन पूछता रहता है। यूनिट 4 में आपका है पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी में कॉन्सेप्ट, पॉल्यूशन के सोर्सेस, टाइप्स, कई टाइप्स के होते हैं ना, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस एंड रेडिएशन, फिर उनका कंट्रोल कैसे किया जाए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, फिर जो एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स, वो जो टॉक्सिक हैं, जो उसका जो कारण है, जो एक्सपोजर है, उसके बारे में, उसका रूट्स, उसका ड्यूरेशन, ETC पढ़ना होता है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि आपको आखिर पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में टॉपिक्स क्या हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल से लाइक करिए, शेयर करिए, आगे भी आपको अच्छे टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे।